से वोट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्या इस तरह की बातें भी एक मुद्दा है जो सामने आ रही है, जो रोड़ा बन रही है? नहीं देखिए, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा देखिए, जैसे सिख समुदाय के बीच में आप गुरुद्वारा देखते हैं और लंगर की व्यवस्था रहती है वहां पर, वहां पर कोई भी गरीब और अमीर जाकर के समय पर खा सकता है। हम भी कितनी बार उसमें भोजन किए हैं, तो व्यवस्था है। पॉलिटिकल विल का प्रश्न, सबसे मेन प्रॉब्लम जो है यह शासन और समाज, इसके बीच में गैप बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और यह सब जो प्रश्न है, ये सारे मुद्दे हैं, ये समाज के मुद्दे हैं, कमजोर तबके के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, असहायों के मुद्दे हैं। यह मुद्दा स्टेट का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। तो जब तक यह स्टेट का मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक लोगों में जागरूक नहीं आएगी, जब तक जनता के द्वारा स्टेट के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा बहुत ज्यादा, और स्टेट का मतलब है ग्राम पंचायत से शुरू करें और पार्लियामेंट तक, जब तक प्रेशर नहीं डाला जाएगा, तब तक जो इन सामाजिक मुद्दों के प्रति उनका कमिटमेंट होगा और इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए सटीक तरीके से उपाय किए जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो जैसा कि चौधरी जी कह रहे हैं कि ये गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं, असहायों से जुड़े मुद्दे हैं, और जब तक यही लोग ज्यादा प्रेशर सरकार पर नहीं बनाएगी, उसे स्टेट का इश्यू नहीं बनाएगी, तब तक शायद कोई बदलाव होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आमिर साहब, यहाँ पे आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, भेदभाव को लेकर भी एक कोड जो है आपके समुदाय ने रखा, और वो ये कि सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक रंग के कपड़े पहनेंगे, इसके पीछे की क्या सोच थी और कितना कारगर वो अब होता हुआ दिख रहा है आपको, आपके समुदाय के लोगों में? हमारे समुदाय में हमारे पुरखों ने एक लफ्ज हमें दिया है, अपने वाले। हम कहीं पर भी कोई दो बहुत समुदाय के लोग नजर आते हैं तो फौरन हम ये कहते हैं कि अपने वाले हैं। तो इस कोर्ट ने, इस ड्रेस कोड ने हम सबको एक कर दिया है, अपना बना दिया है जी। और ड्रेस कोड भी है तो व्हाइट इसलिए है कि सबसे पहले तो उस पर कोई भी दाग नजर आ जाता है। संजना साहब का ये आदेश है कि जरा सी गलती भी जो है तो बहुत बड़ी बन जाती है, अगर उसको नजरअंदाज कर दिया जाए तो फौरन उससे आप साफ हो जाए। तो बहुत समुदाय के लोग अमन पसंद है, और ये व्हाइट जो ड्रेस है ये अमन का प्रतीक है जी। और हमारे पुरखों ने नमाज में और मजलिसों में और इज्तिमा में ये ड्रेस इसलिए अपनाया है कि सब एक जैसे नजर आए, सब खुदा के बंदे हैं। अभी आज बकरा ईद थी बैतुल्लाह में, मक्का मुअज्जमा में, आज 40 लाख हाजी वहां पर हज करने के लिए गए, और ये 40 लाख हाजी सबके बदन पे एक ही ड्रेस है व्हाइट जी। 40 लाख लोग हैं वहां पे, और अलग अलग कंट्री से आए हैं, अलग अलग फिरके से आए हैं, लेकिन सबके ऊपर एक ही ड्रेस है व्हाइट ड्रेस, तो उसकी तरफ हमारा इशारा करता है कि हम सब एक हैं। बिल्कुल, तो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपने आप को इंफीरियर महसूस नहीं कर सकता, कोई सुपीरियर महसूस नहीं कर सकता। कपड़ों से सब एक जैसे हैं, और खाना भी एक वक्त का सब एक जैसा खाते हैं, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। एक बार फिर चौधरी साहब आपका मैं रुख करूंगी, ये सब भारत में भी हो ये हम सब चाहते हैं, जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी यही चाहेंगे कि भारत में भी इस तरह की योजना बने। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कई समस्याएं हैं, कई रोड़े आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है इस दिशा में कि भारत में भी इस तरह के एक सपने को हम सच होता हुआ देख पाए? एक तो देखिए, जैसे बोरा समाज ने दो एक्सपेरिमेंट किया, ड्रेस के मामले में और खाने पीने के मामले में। इसको जनता को, आम जनता को, दूसरे समुदाय के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो अगर इसका प्रचार प्रसार किया जाए, जो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, तो एक तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज देखिए, अल्टीमेटली जो है मतलब प्रजातंत्र विलेज स्तर पर और हमारे परिवार के अंतर्गत नहीं आएगा तब तक देश के अंतर्गत प्रजातंत्र नहीं आ सकता है। और ये सारे प्रजातांत्रिक मूल्य है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो अगर प्रजातांत्रिक जो सिद्धांत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जनता को प्रॉमिस किया है, इन सारे चीजों का क्रियान्वयन जब तक नहीं होगा, तब तक इस तरह के सोशल मुद्दे को, इस तरह के सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना मुश्किल है। इसलिए जो है बार बार मैं इस की वकालत करता हूं कि जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेट, यूनाइट एंड एजुटेट, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को गलत और सही में अंतर स्थापित करने की सलाहियत दिया जाए, लोगों को संगठनात्मक तौर पर एकजुट किया जाए, और ऐसा
होने के बाद वे अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सशक्त होंगे और जिन हो जो भी चेंज एजेंट हैं और वर्तमान में तो स्टेट ही चेंज एजेंट है सबसे बड़ा, चाहे वह किसी न किसी रूप में हमारे सामने में आवे, तो जब तक उनके ऊपर हम दबाव नहीं डालेंगे नंबर वन। नंबर टू, जनता को खुद आगे आना पड़ेगा। यह सब मुद्दे अगर हम कहेंगे शासन कर देगी यह मुद्दा, तो शासन करने वाली नहीं है। शासन इनका भी जो हुआ बोरा समुदाय के लोगों ने भी किया, इसमें शासन और राष्ट्र शासन और गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है, इसमें आम जनता की भूमिका है। तो जब तक आम जनता आगे नहीं आएगी तब तक इस तरह की समस्याओं का निराकरण। लेकिन चौधरी साहब, एक बड़ा सवाल भारत जैसे देश के लिए ये भी उठता है कि क्या जनता यहाँ पर उतनी जागरूक है या क्या जनता के पास उतना वक्त है, क्योंकि 2 जून की रोटी कमाने में उसका पूरा दिन चला जाता है, उसे ये फुर्सत नहीं होती अपने बच्चे से पूछने की कि आज तुम स्कूल गए या नहीं, क्या समस्याएं तुम्हारे साथ हैं, क्या प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, इतना भी वक्त उसे नहीं रहता। अगर हम आम लोगों की बात करें तो क्या उनके पास वक्त है, क्या वो जागृत है, या ऐसे समुदायों को एकजुट होना चाहिए या एनजीओस को इस ओर काम करना चाहिए, हल किस तरह से निकलेगा? निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा कहा, एनजीओ की महत्व का है। दूसरी चीज है जो हमारे सिलेबस है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके अंतर्गत इन सारे मुद्दों को डाला जाए, उसके बारे में लोगों को पढ़ाया जाए, या ग्राम पंचायत लगभग अब हर गांव में एग्जिस्ट कर रहा है, ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दिया जाए और उनको जो है मतलब उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए। वह हमेशा इस फेर में न रहे कि शासन से ग्रांट मिलेगा तब हम काम करेंगे, गांव में भी ग्रांट उपलब्ध हो सकता है, लोग चंदा दे सकते हैं। भारत में चंदा लेकर स्कूल कॉलेज खोलने और शिक्षा के प्रचार प्रसार करने की जो परंपरा है उसका इतिहास कम से कम हजारों वर्ष पुराना है। गवर्नमेंट का इतिहास तो भारत के अंतर्गत मुश्किल से 65 साल का इतिहास है भारत में स्टेट का इतिहास। तो इसलिए अगर अल्टीमेटली समाज है, समाज को आना पड़ेगा। समाज के लिए जो तृणमूल स्तर पर जो विलेज स्तर पर काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ग्राम पंचायत है, जैसा कि मैंने कहा कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सारे लोगों के द्वारा अगर इस मुद्दे को टेकअप किया जाएगा निश्चित तौर पर तो इस दिशा में हमें सफलता मिलेगी। अगर हम यही सोचते रहेंगे जो पार्लियामेंट करेगा या विधानसभा करेंगे तो उनके करने से ठीक है, वो कानून बना देंगे, फंड अलॉटमेंट कर देंगे, लेकिन जैसा कि श्री राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए चलते हैं और अल्टीमेटली 16 पैसे बेनिफिशियरीज के पास पहुंचते हैं, मैं तो कहता हूं 10 पैसे भी पहुंचते होंगे ना पहुंचते होंगे, मेरे अध्ययन तो ये बताते हैं जो 10% मुश्किल से पहुंचते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में। तो जब तक इस लूप होल को नहीं दूर करेंगे तब तक कैसे हम सामाजिक न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं? जो योजनाएं अभी चल रही है वो भी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में एक नई योजना की जैसे कि चौधरी साहब कह रहे हैं कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन नावल साहब, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है जब आपने या आपके समुदाय के लोगों ने इस पहल को शुरू किया तब क्या क्या परेशानियां सामने आई थी? क्या हमारे देश के सामने भी उस तरह की कुछ परेशानियां सामने आती हुई दिख रही हैं आपको? कोई परेशानी नहीं थी जी, बस हमारे दिल में सैयदना साहब की मोहब्बत है, सैयदना के दिल में हमारी मोहब्बत है, सैयदना ने हमारा दर्द समझा, सैयदना ने हमको अपना समझा और आपने आदेश दिया और बहुत समुदाय के हर शख्स ने आदेश को उठाया। जब एक समुदाय के लोग कर सकते हैं, पूरी दुनिया में उनके जितने भी लोग हैं उस समुदाय के उस समाज के वो इस पहल को कर सकते हैं और इतने अच्छे परिणाम उसके आ सकते हैं, तो क्या आपको लगता है हमारे देश में भी इस तरह की पहल हो सकती है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या सक्सेस उसे मिल सकती है? सैयदना साहब जैसा कोई हो जी तो वही कर सके, हम तो ये कहेंगे जी। तो यहाँ की सरकारों पर आपको ज्यादा भरोसा नहीं है जैसा कि चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, सीएम साहब चौहान साहब भी काफी अच्छा, लड़कियों के लिए भी काफी कुछ कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए यात्रा की गाड़ियां चलाई उनके लिए भी कर रहे हैं, और अगर सच्चे दिल से अच्छा काम किया जाए तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। बिल्कुल। लेकिन सैयदना साहब ने आपके वालिद सैयदना ताहिर सिद्दीकुद्दीन जो 51 में दाई है उनके उर्स मुबारक के दिन वाज में एक दिन जज्बे से जिक्र करते हुए फरमाया कि मैं खुदा के नजदीक दुआ करता हूँ कि मेरे समुदाय के लोग कोई एक भी भूखा ना सोए। बिल्कुल। उनके दुआ में दर्द था, उनके दुआ में अपनाइयत थी और उस दुआ पर दुनिया के तमाम बहुत समुदाय के लोगों ने आमीन कहा और उसका परिणाम आज आपके सामने है।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आमिर साहब ने कही है। चौधरी साहब, क्या लगता है, आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि शासन का भी अपना एक वाइटल रोल है और साथ ही साथ जनता का भी, जैसा कि पहले भी आपने कहा कि जनता को आगे आना होगा, तो जनता को भी यहाँ पर एक बहुत वाइटल रोल निभाना होगा, जो योजनाएं जैसे सरकार कहती है उसे मानना होगा, स्वीकार करना होगा। संक्षिप्त में आपसे जाना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, समाज और राष्ट्र या स्टेट, स्टेट एंड सोसाइटी, इन दोनों के अगर मिल जाएं और दोनों समान तौर पर कुछ कॉमन एजेंडा निर्धारित करें, जिसमें गरीबी उन्मूलन सबसे पहले ऊपर एजेंडा हो, खाली स्कीम चलाने से नहीं होता है, और दोनों दिल से माने और इसको इंप्लीमेंट करें विलेज स्तर पर। और उसमें मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं जो करप्शन आज के समय में विद्यमान है या भाई भतीजावाद विद्यमान है ग्रामीण स्तर पर, उसको 50% ही सिर्फ कम कर दिया जाए तो आपके बड़े ही सटीक और सार्थक परिणाम सामने में आने लगेंगे। बहुत अच्छी बात चौधरी साहब आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि किस तरह से इस योजनाओं का एक शुरुआत हो सकती है या अभी तक नहीं हुई तो क्यों नहीं हो सकती, और हम या आप मिलकर किस तरह से उसमें सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी पहल के लिए भी और आज इस चर्चा के लिए भी। जी, तो ये हमें समझने को मिला कि अगर एक अच्छी सोच हो और उस पर हर दृढ़ संकल्पित हो जाए कि हमें एक बदलाव लाना है, एक अच्छा बदलाव, एक सुखद बदलाव लाना है, तो वो बदलाव हम ला सकते हैं। और एक ऐसे ही समाज की तो हम यहाँ पे कल्पना भी कर रहे हैं, हम भी नहीं चाहते कि हमारे समाज में कोई डरा हुआ हो, हमारे देश में कोई भूखा सोए, किसी तरह का भेदभाव हो, हमारे देश को बांटा जाए, एक ऐसे ही समाज की कल्पना तो हम भी करते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि इस तरह की कोई योजना हमारे देश में लागू हो और अच्छे परिणाम इसके मिले। एक ऐसे ही समाज की कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी की थी, तो उनकी के कविता की कुछ पंक्तियों से इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगी। वेयर द वर्ल्ड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड इज नॉट ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।